अपने द्वारा चुने गए संविधान सभा के द्वारा ही एक संविधान का निर्माण करेंगे। और फिर 1942 में आपने पढ़ा होगा कि क्रिप्स प्रस्ताव आता है, उसमें ये होता है कि नहीं द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। और आप लोगों को मतलब अंग्रेजों के द्वारा एक सूचना दी गई कि आप अपनी एक संविधान बनाए। सोचिए 1942 सभा के निर्माण का निर्णय किया गया 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता सत्यानंद सिन्हा ने किया था। फिर उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का। और वह संविधान सभा उसके बाद उसमें जितनी समितियाँ बनती हैं अलग अलग प्रियम्बुल भी तैयार होती है और संविधान निर्माण सभा बनती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रभा साहब को निर्माण सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो मंडल बनता है वह लगभग 2 वर्ष या 18 दिन के परिश्रम से एक संविधान की रचना होती है। और 26 नवंबर 1949 को तो संविधान बन गया था लेकिन हमने कहा कि गणतंत्र है और 26 जनवरी क्यों ऐतिहासिक है, क्यों उसी दिन भारत का संविधान लागू किया गया, ये वही दिन था जब रावी के तट पर संकल्प लिया गया था छोड़ा जाने का। उसी ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी के दिन संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया और 49 रुपये के तैयार हो जाता है उस पर आभार लागू भी हुए। लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और यह उल्टा भारतीय गणतंत्र आज दुनिया के सबसे बड़े राज्य गणतंत्र के रूप में स्थापित है। तो इस अवसर पर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में बताएंगे गणतंत्र के संदर्भ में और आपको ध्यान से सुने से चाहे वो 1935 का
इस मार्च 1857 भारतीय इतिहास के पन्नों में एक ऐसी घटना होती है कि लॉर्ड कैली भारतीय गवर्नर जनरल होने के आते हैं, उनको देश राज्य के अस्पताल तक इंटरनेट राइफल का उपयोग करने के लिए भारतीय सैनिकों को अलाउ करते हैं। तो जो इन्फेंट राइफल में जो कारतूस लगा होता था उसमें गाय का सुगर का चर्बी कारतूस था जो दास से खींच कर लगाना पड़ता था। इससे प्रथम सुमार दोनों सैनिकों ने इसका विरोध किया। ऐसे के विरोध में 19वीं तथा 24वीं एंटी इन्फेंट्री का जवान मंगल पांडे ने अपने दो सैनिक अफसरों को गोलीबार करके हत्या कर दिया। अब द्वारा मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया एक सैनिक अदालत के सामने फांसी सजा दी गई। दूसरी घटना जो होती है 10 मई 1857 को और मुगल सम्राट बहादुर शाह ने जो दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सौंपा जाता है, उन्होंने दिल्ली में निकलकर हरसल द्वारा संघर्ष करते हैं और झांसी में जाने लगी सिपाही जनरल भरूच द्वारा लड़ाई लड़ी और शहीद हुई। कानपुर में नारासाहब कालीन कर बेग द्वारा लड़ाई लड़ी। लखनऊ में बेगम हजरत महल कालीन कर बेग द्वारा संघर्ष की और लड़ाई लड़ी। बरेली में खान बहादुर इलाहाबाद में लिखाई करी और बिहार के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराने के लिए लगभग लाखों से लाखों लोगों को शहीद होना पड़ा है। एक ऐसी घटना होती है जो अपने देश में तथा ब्रिटिश सरकार को संकेत जाता है कि भारत को स्वतंत्र कराना चाहिए, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक प्रतिनिधि भारत भेजा जाता है 24 मार्च 1947 को। भारत के 34वें तथा अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन का आने का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने का होता है। उन्होंने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित कर दिया जाता है तथा यह भी प्रावधान किया जाता है 18 जुलाई 1947 को अब ब्रिटिश शासन का भारत में कोई नियंत्रण नहीं रहेगा और भारत का एक अपना संविधान होगा और भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा आनुवंशिक नहीं निर्वाचित होगा। जरूरत पड़ती है भारतीय संविधान की तो भारतीय संविधान जैसे दास आपने बताया भारतीय संविधान के परिघटन और समय 1946 को हुआ था। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है और 19 अगस्त 1947 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान प्राप्ति प्रारूप कमेटी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। उसके 6 सदस्य रहते हैं और भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। इसमें 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ रहते हैं। साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें से अनुच्छेद 370 था जो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इसी समय इसको हटा दिया जाए क्योंकि भविष्य में बहुत बड़ी विडम्बना हो गई थी देश में, लेकिन कुछ भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं सर इसको इस तरह से चलने दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य विधेयक पुनर्गठन अधिनियम को आपके अपने देश के गृह मंत्री के द्वारा और इसको राज्यसभा में पेश किया जाता है और जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांटा जाता है। आज अपना भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। एक तिरंगा एक संविधान
जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे देश में लागू होता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना है संप्रभुता संपन्न समाजवाद के जो निर्देश लोकतांत्रिक राज्य अपना रखता है। आज 73वें गणतंत्र दिवस इस अवसर पर और मध्य विद्यालय के विभाग की तरफ से अपना सहयोग को शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय संचालन महोदय ने मुझे यहाँ बनाने का प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बढ़िया विचार संविधान का दिया कि 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ, उसके पीछे क्या ऐतिहासिक भूमिका थी उसको आपने बताया और आपने स्वागत कराया। यह सही है कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, हम सब इससे हर्षोल्लास से मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि यह है 26 जनवरी का दिन जिस आज़ादी जिस स्वतंत्रता को हमें प्रदान कराता है, जो संविधान हमें मिलता है, यह दुनिया का अनूठा संविधान है। बड़ा है लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जरूरत पड़ने पर आप इसके संशोधन और व्यवस्थाएं भी कर सकते हैं। जैसा उन्होंने बताया कि